बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कृष्णानगर थाना क्षेत्र स्थित बारा विरबा संभर खेड़ा में 17 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक नाबालिग सहित दो आरोपियों को पुलिस ने खिलाई जेल की हवा। नाबालिग पीड़िता किशोरी की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद कृष्णानगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पीके सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक 17 वर्षीय बाल अपचारी सहित 23 वर्षीय आरोपी धर्मेंद्र शर्मा पुत्र हरिहर शर्मा को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही के तहत संबंधित मुकदमे में जेल भेजा। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्त मूल रूप से जौनपुर जिले के सिग्रामऊ थाना क्षेत्र का निवासी है, जो बारा विरवा सब्जी मंडी में सब्जी बेचने का काम करता है। अभियुक्त धर्मेंद्र शर्मा संबरखेड़ा स्थित 569 गा 39 मकान में किराए पर कमरा लेकर रहता है, जो SKD अस्पताल के सामने ठेले पर होटल चलाने वाली एक महिला को सब्जी सप्लाई करता है। महिला अपने 17 वर्षीय पुत्री के साथ होटल चलाती थी और अभियुक्त उसके यहाँ सब्जी सप्लाई करता था और वहीं खाना भी खाता था। लगभग 5 माह पूर्व अभियुक्त धर्मेंद्र शर्मा ने महिला की पुत्री के हाथों अपने कमरे पर खाना मंगवाया, जहां उसने धोखे से उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली। इसमें उसका एक नाबालिग दोस्त भी शामिल रहा। किशोरी का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी उसे अपने कमरे पर बुलाकर आए दिन उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस बात की भनक जब किशोरी की माँ को हुई, तब जाकर किशोरी ने आपबीती अपनी माँ से बताई, जिसके बाद पीड़िता ने बीते शनिवार को कृष्णनगर थाने में दोनों आरोपियों के विरुद्ध लिखित तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस ने बाल अपचारी सहित दोनों अभियुक्तों से कड़ी पूछताछ के बाद विधिक कार्यवाही के तहत संबंधित मुकदमे में जेल भेज दिया है।